एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड। तो अगर आप सभी ने मेरी पोकेमोन्स की बैटल्स देखी है तो आपको पता होगा कि अभी तक हम दो बैटल्स करवा चुके हैं, जहां पे जो अपनी पहली बैटल थी वो थी अनूबिस वर्सेस ग्रिसबोल्ड, जहां पे जो अपने अनूबिस थे वो जीत गए थे। और उसके बाद जो दूसरी बैटल हमने करवाई वो थी चारिज़ार्ड वर्सेस मेमोरस्ट, जहां पे जो अपने चारिज़ार्ड थे वो इजीली जीत गए। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और आज के जो वीडियो है भाई वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज भी हम दो ऐसे पोकेमोन्स को भिड़ाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप सब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अब फटाफट से चलते हैं सीधा हम गेम के अंदर। ओके, सो अभी हम पहुंच चुके हैं पैल वर्ल्ड के अंदर और आप सब देख सकते हो अपने साथ में कौन है, एक जेट ड्रैगन। और ये कोई नॉर्मल वाला जेट ड्रैगन नहीं है भाई, ये दूसरे वाला जेट ड्रैगन है। नॉर्मल वाला आपने देखा होगा, उसका भाई कलर दूसरा होता है, ठीक है। वो मतलब स्ट्रांग तो वो भी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसका जो टेक्सचर है भाई वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरे पास ब्लैक और रेड कलर वाला जेट ड्रैगन है, और ये आपको पता होगा भाई इस गेम का सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। इसकी स्पीड चेकआउट करो भाई, कितनी तेज उड़ता है ये भाई, ट्रैवल करने के लिए ना सबसे बेस्ट पोकेमॉन है ये। लेकिन ये है अपना वो एरिना जहाँ पे हम पोकेमॉन्स की बैटल करवाते हैं। मैंने चारों तरफ से इसको डिफेंसिव वॉल से घेर रखा है, ठीक है, ताकि बीच में कोई भी जो पोकेमॉन है भाई वो भाग ना पाए लड़ाई के दौरान, ठीक है। इसका काम डिफेंसिव वॉल्स का काम सिर्फ यही है। लेकिन देखो जो अपने साथ जेट ड्रैगन है ना, हम इसके साथ फाइट नहीं कराने वाले, ये तो मैंने ऐसे रख रखा है उड़ने के लिए, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो इसको मैं वापस बुला लेता हूँ। जो हम फाइट करवाने वाले हैं वो है एक अनूबिस, ठीक है, एक अनूबिस 50 लेवल का, ये लुकारियो है वैसे, ठीक है। तो 50 लेवल का अपने पास अनूबिस है जो कि इस गेम का सबसे खतरनाक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, देखने में ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है भाई साहब। इसकी जो फाइट है ना वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और अपने जो दूसरी टीम में रहेगा ना, मतलब जिससे हम फाइट करवाएंगे, वो रहेगा इस गेम का इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन खतरनाक वाला, वो है मोसांडा लक्स। लक्स कोजी नहीं या फिर लक्स साबुन भी नहीं, लक्स मतलब ये इलेक्ट्रिक वाला है। तो इसको मैं ऑप्टेन करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद स्पॉन करेंगे। तो भाई ये है अपना एक 50 लेवल का मोसांडा लक्स, इसको ही पास से दिखाते हैं। और ये भाई बहुत गुस्से वाला पोकेमोन है, ठीक है, इस गेम में ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पोकेमोन है भाई, हरदम गुस्से में रहता है। ये मटक कैसे रहा भाई, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे इधर उधर हो ही जा रहा है भाई ये तो। ठीक है भाई, एक जगह भाई, एक खतरनाक है, देखो इसकी आँखें देखो, पहले ही गुस्से में आई है ये। इसके सामने कोई भी पोकेमोन भेज दो ना भाई, उससे सीधा ही लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये अपनी भाई दूसरी टीम में होएगा, ठीक है, अपनी टीम में तो अनूबिस रहने वाला है। तो देखो अगर आपने पिछले दो एपिसोड देखे हैं ना, तो आपको पता होगा कि हम पहले एक एक के साथ फाइट करवाते हैं, ठीक है, 1v1 करवाते हैं, फिर 1v2, 1v5, 1v10, 15, 30, उसके बाद 50, फिर लास्ट में हम 100 पोकेमोन की फाइट करवाते हैं। तो हम इस बार भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपना पहला वो है ना, क्या कहते हैं, मोसांडा लक्स से पहले मैं इसको स्पॉन कर देता हूँ, ठीक है, ये 50 लेवल का है, इसको स्पॉन करते हैं। और उसके बाद ये देखो ये भड़क जाता है, इसको स्पॉन करा ये भड़क गया। अनूबिस तू वापस आ भाई, मतलब उधर जा फाइट करने के लिए। आप देख रहे हैं अनूबिस की पावर, बहुत बहुत खतरनाक पावर है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है यार इसकी। तो एक अटैक में आधी HP और दूसरे अटैक में फिनिश। ग्रिसबोल्ड को भी इसने ऐसे पीटा था भाई, दो तीन अटैक में उसको भी खत्म कर दिया था। और यहाँ पर जो मोसांडा है उसको भी इसने दो अटैक में, मात्र दो अटैक में इसने खत्म कर दिया भाई, ये तो हलवा है भाई अनूबिस के लिए वैसे। ओके, तो एक तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब हम दो मोसांडा लक्स को स्पॉन करने वाले हैं, ठीक है, मैंने दूसरा भी स्पॉन कर दिया है और ये दोनों भड़क चुके हैं। मैं अनूबिस को निकाल देता हूँ। अनूबिस चलो भाई पिटाई करना शुरू कर दो भाई, ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अनूबिस गया ऊपर, फिर आया नीचे, और ये दोनों गए पीछे, ये तो राइमिंग बन गई भाई। लेकिन ये देखो ना, ये थोड़ा ना हवा में उड़ते भी हैं हल्के हल्के, अपने जो हाथ हैं उनको ये पंख की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अनूबिस भाई इनकी बैंड बजाने वाला है, दोनों की आधी से ज़्यादा HP ले जा चुका है वो एक अटैक में, मतलब दो अटैक में ले जा चुका है भाई। अब बैंड बजेगी उसकी, कुछ नहीं हुआ भाई उसको, तो कुछ नहीं हुआ, दोनों ने अपना खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक मारा। लेकिन अनूबिस की भाई थोड़ी सी HP गई बिल्कुल ही। ओ भाई, अबे मुझे लग रहा था उसका अटैक उन्होंने रोक दिया, बीच में एक टाइम पे रोक दिया था। लेकिन यार अनूबिस तू खतरनाक है भाई, तू बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई साहब, दोनों को पीट दिया और इसकी HP बिल्कुल भी नहीं गई है। ही इज़ सो डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अब एक काम करते हैं भाई, दो से तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब सीधा हम स्पॉन करेंगे 5 मोसांडा लक्स को भाई। 5 तो थोड़ा सा हो सकता है भाई अनूबिस को टक्कर दे दें, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। 1, 2, यहाँ पर तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। अभी मैंने 5 जो मोसांडा लक्स है उनको स्पॉन कर दिया है भाई। अब ये सारे मेरे ऊपर भड़केंगे, और उससे पहले मुझे यहाँ से जेट ड्रैगन, भाई मैंने तेरे को इसलिए चुना है ताकि
मैं फटाफट से यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। मुझे डैमेज नहीं खाना क्योंकि वो खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और भाई यहाँ पे फिर मैं मारा जाऊँगा। लेकिन अनुबिस को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अनुबिस जाओ और पिटाई करो भाई, यहाँ तक अटैक आ रहा उनका। अबे नहीं यार, मुझे लड़ाई देखनी है। ओ भाई, अंडे पे बिजली गिरने वाली थी यार। अनुबिस ने एक को मार भी दिया और दूसरे की भी पिटाई हो चुकी है। एक सेकंड रुको, मुझे वहाँ पे पास में जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल क्लोज में जाके हम लड़ाई का ये आनंद लेंगे ना भाई। तीन को मार भी गया इतनी जल्दी भाई। 5 मिनट कुछ उखड़ा पाए भाई इसका, 5 मोसांडा लक्स भी इसका कुछ नहीं कर पाए। देखो सारे मिल के अटैक कर रहे फिर भी अनुबिस को कुछ नहीं हो रहा भाई। अनुबिस गॉड है सही में। एक बचा है सिर्फ, पीछे तो देखो भाई, अब देखेगा पीछे, ठीक है। मोसांडा उस पर अटैक करेगा ना, ये देखो अब ये आया इसके पास, इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा इसके, ये पड़ा। अब इसको पता लगेगा कि इसके पीछे एक जिंदा बचा है। लेकिन ओके ओके ठीक है, एक अटैक और ये आएगा इसका स्पीड फिनिश। 5ों को मार गया। HP कितनी गई है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है भाई? भाई ये तो 5ों को बहुत जल्दी मार दिया। जब ग्रिसबोल्ट से मैं फाइट कर रहा था तो थोड़ी बहुत HP ना नूबिस की जा रही थी, लेकिन यार अब तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके भाई, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहा है ये। 5ों को मार दिया। लेकिन अब ये काम करते हैं, जेट ड्रैगन को निकालता हूँ मैं। पहले जितना भी सामान है ना, कूड़ा कचरा यहाँ से निकाल दो, ठीक है भाई। लड़ाई के उसमें ना क्या कहते हैं, मैदान में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो 5 भी नहीं कर पाएंगे अब अनुबिस का कुछ, तो अब हम सीधा स्पॉन करेंगे 10 मोसांडा को। 10 हो सकता है टक्कर दे दे भाई, ठीक है। 10 तो मुझे लग रहा है कि ये 10 इसको पक्का टक्कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से 10 को स्पॉन करता हूँ। 4 हो गए, उसके बाद ये 5वां 6ठा 7 8 9 10। एक अच्छी बात है ये ना भाई, जमीन के अंदर नहीं घुस रहे तो सारे मिलके अटैक करेंगे। वो देखो भाई, लाइन वाइज सारे खड़े हो चुके हैं। और अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पहले फटाफट से ना मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ से हम निकल जाते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे इस वाले टावर पे आराम से जाके बैठ जाएंगे। अपने अनुबिस को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एक सेकंड रुकना, ये मेरे पास आ रहा है यार। अनुबिस को मैं उधर पीछे फेंकता हूँ, ठीक है। कमांड एग्रेसिवली मैंने कर दिया है और इसी की पहले पिटाई करेगा अनुबिस। एक सेकंड, सबसे ना पहले मुझे भाई सबको भड़काना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सारे मिल के मेरे अनुबिस के ऊपर अटैक करें, ठीक है। तब मज़ा आएगा, तब देखेंगे कि अनुबिस की स्ट्रेंथ कितनी है। वो 10 को मार सकता है यार। मेरे ऊपर अटैक ना करो दोस्तों, मेरे पोकेमोन से लड़ो तुम, ठीक है। उससे डर रहे हैं, मेरे को मारने आ रहे, कमज़ोर समझ रहे हैं मेरे को। लेकिन अनुबिस वहाँ पे भीड़ चुका है भाई सबसे। ओ देखो सारे मिल के अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर। ओ भाई अनुबिस की चटनी बनने वाली है मुझे लग रहा है अब। नहीं भाई, ये चटनी बनाएगा। ओ उड़ के कहाँ जा रहा है वो भाई? इसके बाहर नहीं निकलना तुमने यार। वो ना उड़ते हैं ना तो दिक्कत है कि वो बाहर ना चले जाए। लेकिन भाई अनुबिस के पड़ रहे हैं अच्छे खासे दे रहे हैं सारे मिल के इसके। वो देखो उसने भी देख लिया। भाई क्या लगता है क्या होएगा? मुझे लग रहा है कि अनुबिस मार सकता है भाई। 5 को तो उसने मार दिया, सिर्फ 5 और बचे हैं। अनुबिस तो कर सकता है भाई, तो कर सकता है। ये गया ऊपर और ये आया नीचे और एक और ख़त्म। उसको तो उड़ा के उधर फेंक दिया इसने। सिर्फ 4 और बचे हैं। इसकी HP कितनी है वो देखनी है मुझे भाई। HP पता चल जाए ना फिर पता लगेगा कि भाई यहाँ पे इसने कितना डैमेज लिया है। एक घुसंडे में वो भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचे हैं। एक सेकंड भाई, मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं यार वो। यार दोस्तों ऐसा ना करो, मेरे अनुबिस को वो मार नहीं पा रहे तो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये देखो फिर से, वो सब बहुत ही ज़्यादा नूबड़े हैं भाई। मेरे से ना वो पंगे लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास भी वैसे रॉकेट लॉन्चर है, मैं उनको फोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं अनुबिस को लड़ने दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ एक वो बचा है और एक यहाँ पे बचा है। सिर्फ 2 मोसांडा लक्स बचे हैं भाई। इसने 8 को मार दिया और उसकी HP देखो अभी भी नहीं गई भाई। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है यहाँ पे उसकी भी HP ले गया बहुत ज़्यादा। ओके वेट, मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है उसको भी ख़त्म कर दिया उसने। एक बचा है और अब इसकी भी चटनी बनने वाली है। ए चल तेरी, 10 को मार दिया, HP बिल्कुल भी नहीं गई। वाह भाई ये तो गॉड है भाई सही में। ये ना भाई ग्राउंड टाइप वाला गॉड है भाई, इजिली चटनी बना रहा है ये तो। 10 को भी मार दिया इसने भाई। तेरे सामने मैं कितने स्पॉन करूँ अब? एक सेकंड यार, तू भोजन खा पहले इधर आ। तू बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्त, ये ले खा ले। ये देखो अब खुश हो जाएगा, अब ये और ख़तरनाक लड़ेगा भाई। एक सेकंड, एक काम करता हूँ मैं इसको वापस बुलाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जेट ड्रैगन के ऊपर बैठ के ना जितना भी ये यहाँ पे सामान है ये सारा पहले उठा लेते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधा मैं स्पॉन करूँ 20 मोसांडा लक्स को।
ठीक है, 20 को स्पॉन करके देखते हैं और हम एक ही को लड़ाएंगे, ठीक है। एक ही अनुबिस को मैं लड़ाने वाला हूँ। अनुबिस मुझे लग रहा है कि 20 पे भी भारी पड़ सकता है जिस हिसाब से वो लड़ रहा है, ठीक है। तो एक काम करा जाए, उतरते हैं जेट्रागन से और उसके बाद हम स्पॉन करते हैं यहाँ पे 20 मुसांडा लक्स को, ठीक है। उसके बाद अगर उसने 20 को भी मार दिया ना तो सीधा मैं भाई 50 को स्पॉन कर दूंगा, ठीक है, देखी जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं एक एक करके यहाँ पे 20 मुसांडा लक्स को स्पॉन करता हूँ, 3, 4, 5, 6। ओके, सो अभी यहाँ पे देखते देखते मैंने 20 मोसांडा लक्स को स्पॉन कर दिया है और ये देखो भाई कितने ज़्यादा ये खतरनाक लग रहे हैं सारे एक साथ में। लेकिन अब मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये पीछे आना है, ठीक है यार। उनका ना अटैक यहाँ पे भी आ जा रहा है पता नहीं कैसे, मैं छुप रहा हूँ फिर भी मार दे रहे हैं वो। लेकिन चलो अब बारी है अपने लुकारियों को निकालने की। लेकिन एक बार ना मैं पास से चल के दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब क्या डेंजरस लग रहे हैं। क्या लगता है आपको, 20 को मार पाएगा अपना अनुबिस या फिर 20 मोसांडा उस पर भारी पड़ेंगे, फटाफट से कमेंट में बताओ। मैं काम करता हूँ, मैं अपने अनुबिस को, एक सेकंड यार ये ना पहले चेंज करता हूँ मैं। यार मेरे पास ना ये क्रॉसबो तो है, अब पता नहीं क्रॉसबो ना वहाँ तक जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा डैमेज नहीं देना चाहता। यार क्रॉसबो नहीं जाएगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, अपनी जो राइफल है ना इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं, पहले ना मैं अनुबिस को वहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। जाओ अनुबिस, मैं तुम्हें चुनता हूँ वापस से और सब पे मैं अटैक करके ना सबको भाई मैं अट्रैक्ट कर लेता हूँ अपनी तरफ, ताकि सारे मेरे अनुबिस के ऊपर अटैक करने लग जाए, ठीक है भाई। यहाँ पे जो युद्ध है वो वापस से स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे भाई देखो सारे के सारे जो मुसांडा हैं भाई वो भड़क चुके हैं और भाई बिजली की बारिश कर दी उन्होंने। एक सेकंड, मुझे यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ पे अटैक आएगा उनका भाई, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं छुप जाता हूँ तो। अबे यहाँ पे भी अटैक आ रहा है उनका, यार मैं छुप रहा हूँ फिर भी कैसे देख रहे हैं मुझे वो यहाँ पे। यार मुझे लड़ाई देखनी है, ऐसा ना करो दोस्तों। भाई अनुबिस गया ऊपर फिर गया नीचे और एक को उसने मार दिया, मैं यहाँ पे छुप रहता हूँ। भाई मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं कहाँ जाऊँ भाई, ये लड़ाई मुझे देखने नहीं देंगे भाई। एक सेकंड रुको, यहाँ पे छुप जाता हूँ मैं, मे बी यहाँ पे वो मुझे ना देख पाए। भाई यहाँ पे अटैक नहीं आ रहा उनका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं हम सीधा वापस से लड़ाई देखने के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई 2-4 को तो उसने मार भी दिया यार, ठीक है, 2-4 को उसने पीट दिया, लेकिन देखो सारे भड़क चुके हैं। और अरे भाई भाई उसको घसीटता वो कहाँ तक ले गया था वो, लेकिन सारे मिलके अब भाई अनुबिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नहीं अब मुझे लग रहा है अनुबिस की चटनी बन सकती है। ओ भाई सब सारे मार रहे हैं उसके ऊपर। ओ भाई 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 ये खतरनाक हो रहा है। अनुबिस भाग रहा है, अनुबिस भाग रहा है। भाई ऐसा ना कर, तू क्या कर रहा है भाई, अटैक कर उनके ऊपर। भाई भाग रहा था वो उनसे बच के, लेकिन ये गया ऊपर, भाई उसका अटैक को रोक दे रहे भाई मोसांडा ना अपने इलेक्ट्रिक शॉक मार के उसका अटैक बीच में रोक दे रहे हैं। बट एक और पड़ा उसके, भाई अनुबिस यहाँ पे चलते रही, एक और गया, ठीक है। एक और मोसांडा यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे अभी भी भाई कितने 10-12 बचे हैं, लेकिन भाई अनुबिस पे मुझे लग रहा है कि अब थोड़े से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाई देखो भाई 3-3 एक बार में, ओ शिट। अरे भाई अनुबिस फिर भी हार नहीं मान रहा, देख रहे हो, फिर भी हार नहीं मान रहा वो। भाई इतने झटके वो सह ले रहा है, मार भाई अनुबिस तू कर सकता है दोस्त। यार उसको अटक, भाई उसको अटका दे रहे हैं वो, भाई इलेक्ट्रिक शॉक पे शॉक मार के देखो उसको अटका दे रहे हैं। लेकिन एक बार अनुबिस वहाँ से निकल जाए ना तो मज़ा आएगा भाई। ये तो रुक ही नहीं रहे, वो देखो भाई एक बार में 2-3 को ले गया अनुबिस। अरे ये खतरनाक हो रहा है भाई, ये खतरनाक हो रही है फाइट। भाई कितने रह गए, एक मिनट, 1, 2, 3, 6 रह चुके हैं अभी भी 6 मोसांडा रहते हैं। अनुबिस की एचपी पता नहीं कितनी है, मुझे लग रहा है कि आधी तो जा चुकी होगी जिस हिसाब से भाई उसने मार खाई है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2-4 मोसांडा रहते हैं। अनुबिस तो कर सकता है दोस्त, भाई भाग रहा है वो। एक मिनट, ये क्या हुआ, अबे मेरे पास आ गया यार। एक सेकंड, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा दूर था ना इसलिए वो थोड़ा सा दूर आ गया। बट चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, अभी मैं वापस से जाने वाला हूँ। भाई यहाँ पे देखो उनकी एचपी बहुत कम है भाई, ना के बराबर उनकी एचपी है। अनुबिस एक एक अटैक में सबको ले जा सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इस वाले पिलर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ठीक है। सिर्फ 4 मुसांडा बचे तो अनुबिस चल भाई वापस से वहाँ पे। यार ये देखो ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। एक और मुसांडा एलिमिनेट हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे 3 मुसांडा बचे हैं और अब इन तीनों को भी पिटाई है। ये गया अनुबिस और ये दूसरा भी ख़त्म, सिर्फ 2 बचे हैं और इसकी एचपी फुल है, उसकी तो भाई आधी से भी कम हो चुकी है। एक मिनट, यहाँ पे मैं वापस चल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो मेरे को मार नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं अब चलते देखते हैं अनुबिस कहाँ गया।
अबे वो फिर से गायब हो गया यार। मैं दूर आ जा रहा हूँ ना तो वो वहाँ से ना गायब हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं पास जाऊँगा तो भाई वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे। नहीं अनुबिस वहीं पे है, बस यहाँ पे ना फंस रखा है यार वो। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता, मैं यहाँ से अंदर घुस जाता हूँ। ठीक है, अब तो दो हैं ये, तो मैं, मेरे को डरने की बात नहीं है, मैं अंदर भी यहाँ पे अरीना के अंदर रह सकता हूँ। अनुबिस गया ऊपर नीचे और उसके बाद एक ख़त्म, सिर्फ एक रहता है, इसकी भी आधी HP है, तो यहाँ पर इसकी पिटाई है, फिनिश। ओ वेट भाई, ये आप देख रहे हो, मुझे लगा था इसकी इसकी ना आधी से भी ज़्यादा HP जा चुकी होगी भाई, फुल HP। अभी ये क्या सीन है भाई, इसकी HP अभी भी फुल है। एक सेकंड, मुझे अपने बेस पे जाना पड़ेगा। बट ये हो क्या रहा है भाई, 20 बंदों ने इसको मारा और फिर भी उसकी HP फुल है। वाओ, ये तो मेरे को फुल बना रहा है भाई साहब, बहुत गंदा लड़ रहा है। फिलहाल फटाफट से मैं सो जाता हूँ और सुबह उठ के अब हम स्पॉन करेंगे सीधा 50 मोसांडा लक्स को। ठीक है भाई, 20 भी अपने अनुबिस का कुछ नहीं उखाड़ पाए, लेकिन 50 में अगर करूँगा तो 50 दिक्कत दे सकते हैं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, मैं ना दो अनुबिस को स्पॉन कर सकता हूँ। ठीक है, हम अपने पास एक ये भी ऑप्शन है कि मैं दो अनुबिस को 50 मोसांडा लक्स के साथ लड़ा दूँ। ठीक है, 25 को एक संभाल लेगा, 25 को दूसरा संभाल लेगा, लेकिन अभी मुझे फटाफट से यहाँ पे जितना भी कचरा है वो सारा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं फटाफट से अपने जो पोकेमॉन्स हैं, ठीक है, उनको स्पॉन कर पाऊँ। काफ़ी सारा अपने पास हो चुका है आइटम। यहाँ पे एक थैली और पड़े, इसको उठा लेते हैं और उसके बाद फटाफट से ये सारा फेंक देते हैं, हम सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, इन सबको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलो भाई, अब अपना जो बैग है वो खाली हो चुका है और अब यहाँ पे फटाफट से मैं 50 मोसांडा लक्स को स्पॉन करने वाला हूँ। तो 50 मोसांडा लक्स ना यार, वैसे ना बाहर आ जाते हैं यार ये, तो बाहर ना आए ना फिर लड़ाई देखने मज़ा आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैं फटाफट से यहाँ पे मैं पहले ना अनुबिस को थोड़े से ऑब्टेन कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी अपनी टीम में हो जाए। ठीक है, उसके बाद ताकि मैं स्पॉन कर दूँ ना उनको, तो इन सबको मैं फेंक देता हूँ पहले, बोन वगैरह सब जो मुझे मिली है। और अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपनी टीम आ गई होगी। देखो यहाँ पे अपने जो अनुबिस की टीम है वो आ चुकी है, 6 अपने पाल डेक में है, 4 अपने पास, 10 टोटल अपने पास अनुबिस हैं। लेकिन अब यहाँ पे बारी है फटाफट से 50 मोसांडा लक्स को स्पॉन करने की, तो जल्दी जल्दी अभी मैं इनको स्पॉन करता हूँ। मुझे फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भड़क गए और मुझे अगर इन्होंने घेर लिया तो भाई ये मेरे को मार देंगे। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मैंने भाई 50 मोसांडा तो स्पॉन कर दिया, लेकिन दिक्कत हो चुकी है भाई, वो भड़क चुके हैं और मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई मैं अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके कितने ज़्यादा मोसांडा वहाँ पे हो चुके हैं। एक सेकंड, अपने जेट्रगन के ऊपर हम उड़ के, वो देखो भाई कितने ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। उनकी ना HP वगैरह मुझे सारी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने ग्लासेस ऐसे पा रखे ना जिससे मुझे सब कुछ उनका स्टैट्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन देखो भाई वहाँ पे 50 मोसांडा लक्स है और अब वहाँ पे जाने वाला है अपना अनुबिस। बट यार वो बहुत गंदा मार रहे हैं यार। वेट यार, मुझे ना अपने पाल डेक के पास जाना ताकि मैं दो अनुबिस को स्पॉन कर सकूं, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे, ये मुझे जाने नहीं देंगे भाई, उन्होंने पाल डेक को घेर लिया। यार यार मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे अपना एक ही फिर अनुबिस निकालना पड़ेगा। मैं भी अपना एक अनुबिस उनको मार दें, ठीक है ट्राई कर लेते। वैसे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई, मुझे लग रहा है कि 80% तो अपना अनुबिस पिट जाएगा 50 के सामने, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करा है। मैंने अपने अनुबिस को भाई जंग के मैदान में भेज दिया है और अनुबिस लग चुका है भाई वो फाइट। ओ भाई साहब, उसको भाई बीच हवा में रोक लेता उन्होंने। ये देखो कैसे उड़ उड़ के ना ये बाहर निकल जाते हैं भाई, वो देखो गायब हो गया। एक तो एलिमिनेट ही हो गया, लेकिन 1, 2, 3, 4 को एक अटैक में ले गया, वो 4 मोसांडा को एक अटैक में ले गया। बट यार यार मुझे मार रहे हैं यार वो। ओ भाई HP जा रही है, देखो अब अनुबिस की HP देखो आधी जा चुकी है। नहीं अकेला नहीं मार पाएगा अनुबिस, अकेला भाई नहीं मार पाएगा। आधी HP उसकी जा चुकी है और अभी भी कम से कम भाई 25-30 मोसांडा लक्स बचे हैं भाई। इसको ना अटैक करने नहीं दे रहे हैं, ये देखो मुश्किल से ये एक आधा अटैक कर पा रहा है, लेकिन इसको हवा में ही रोक ले रहे हैं। एक और पड़ी, ठीक है भाई यहाँ पे मरने वाला, बस यहाँ पे 2-4 अटैक अपने और लगेंगे अनुबिस के और अपना अनुबिस मारा जाएगा। बट यहाँ पे ना भाई सारे इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना अभी मुझे सबको भड़काना पड़ेगा भाई। मरने वाला अपना अनुबिस मरने वाला, उसकी HP देखो भाई इतनी सी रह चुकी है सिर्फ। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, मुझे वहाँ पे जाके ना भाई भड़काना पड़ेगा इन सबको। चलो भाई सारे अटैक करो इसके ऊपर, मार दो बेशक अनुबिस को, कोई बात नहीं। उसके बाद हम 100 को स्पॉन करेंगे, फिर मज़ा आएगा। बट फिर भी अभी भी अपना अनुबिस लड़ रहा है भाई, वो वहाँ से भाग के नहीं आ रहा। देखो वो अभी भी वहीं पर है भाई मैदान में जंग के। एक मिनट रुकना, उसने 2-4 को अभी और मार दिया। मैं काम करता हूँ, जाता हूँ अंदर। यहाँ पे मर गया क्या वो? नहीं जिंदा है, अभी भी जिंदा है भाई, वो अभी भी जिंदा है। वो देखो अभी भी लड़ रहा है वो, यार उसको अटका दे रहे हैं यार वो।
वो बेचारा वहाँ पे फंस जा रहा है, तो उसके ना अटैक यहाँ पे कर नहीं पा रहा। बट चलो वापस से चलते हैं। वो देखो उसको अटका दिया भाई, उसको ना वहीं पे उन्होंने अटका दिया इलेक्ट्रिक शॉक पे, शॉक मार मार के। बट एक सेकंड रुकना, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा वापस से लग रहा है। ठीक है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। एक और उड़ गया भाई, देखो इसको भी भाई उड़ता हुआ पंछी बना के यहाँ से एलिमिनेट कर दिया भाई। जो बाहर निकल जा रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे मैं और स्पॉन कर दूंगा। बट यहाँ पे यार अनुबिस की एचपी देखो भाई अभी उतनी की उतनी ही है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे यार यहाँ पे भी नहीं छुप पा रहा है। देखो यार दिक्कत यही है ना, मैं कहीं छुप ही नहीं पा रहा, ये मेरे को दूर से ही मार दे रहे हैं। ये सीन ये है भाई। तो भाई यहाँ पे मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ, मैं अपने जेट ड्रैगन के ऊपर बैठ के ना अभी जाने वाला हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है मुझे अनुबिस को स्पॉन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो वाला जो अनुबिस है ना वो फिर गायब हो जा रहा है। एक काम करते हैं फटाफट से, मैं दो को स्पॉन कर देता हूँ। ठीक है यहाँ पे मैंने दो अनुबिस को स्पॉन कर दिया है, और अभी भी ना कम से कम 20-25 जो मोसांडा है भाई वो बचे हैं भाई। पूरा हिला के रख दिया उन्होंने, वो देखो अभी काफ़ी सारे हैं यार मोसांडा, बहुत सारे हैं। लेकिन देखो अब ना मैं पूरी फाइट का वो मतलब इन्जॉय कर सकता हूँ यहाँ पे अपने जेट ड्रैगन के ऊपर बैठे बैठे। एक सेकंड मुझे ना अभी उन सबको भड़काना पड़ेगा, क्योंकि जेट ड्रैगन के ऊपर बैठ के ना मैं अपनी जो गन्स है ना उनको यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पहले उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और अब एक काम करते हैं, निकालते हैं जेट ड्रैगन को फटाफट से, चलो इसके ऊपर जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अब वो सारे भड़क चुके हैं, वो सारे के सारे भड़क चुके हैं। अरे अनुबिस मर गए क्या? वेट, ये क्या हुआ, मर गए अपने अनुबिस? नहीं नहीं जिंदा जिंदा है, जिंदा जिंदा है भाई, दोनों जिंदा है। देखो उछल कूद कर रहे हैं ना, और दोनों, ओ भाई साहब वेट भाई, मोसांडा भी काफ़ी सारे पड़ रखे हैं, लेकिन फिर भी अपना जो अनुबिस है भाई वो गंदा पीट रहा है यार। देखो एक और उड़ के बाहर निकल गया, एक और एरिना के बाहर निकल चुका है, लेकिन यार काफ़ी सारे बचे हैं अभी भी भाई, ये तो बहुत सारे हैं, क्या होएगा देखते हैं। वैसे अनुबिस मुझे लग रहा है दोनों तो मिलकर आराम से मार देंगे इनको भाई, उसके ऊपर पड़ने वाला ख़तरनाक अटैक। ओ शिट, ओ भाई भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, एक अटैक कर रहा है फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके इसकी धजिया उड़ा दे रहे वो अनुबिस की। लेकिन फिर भी मर गया अनुबिस, नहीं नहीं जिंदा है जिंदा है, वो देखो दोनों उछले और ये पिटाई भाई, मार देंगे। ये ऊपर क्यों आ गया? अबे नीचे उतर भाई, वो ऊपर आ चुका है, वो बेचारा अकेले लड़ रहा है। एक सेकंड, एक तो गया, यहाँ पे दूसरे के पड़ेगा, नहीं बच गया यार, ये ऊपर आ गया ना यार। भाई तो नीचे उतर जा यार, वो तेरा भाई अकेले वहाँ पे फाइट कर रहा है। अब ये बाहर ही, इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है, वाओ इसको भी भाई एलिमिनेट कर दिया। लेकिन एक अनुबिस अभी भी अपना वहाँ पे बचा है, वो अभी भी भाई वहाँ पे लड़े जा रहा है। और भाई मोसांडा भाई अभी भी 20-25 पड़ रखे हैं यार, अभी भी 20-25 मोसांडा पड़े हैं, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक एलिमिनेट और हो गया, ठीक है यहाँ पे तीन बचे लाइन वाइज, और इन तीनों की पिटाई है। चल तेरी, तीनों गए एक बार में, एक अटैक में तीनों को ले गया। फिलहाल एक काम करते हैं, मैं भी थोड़ा सा पास में चलता हूँ, ठीक है यहाँ पे मुझे एक और अनुबिस को निकालना पड़ेगा जल्दी, रिस्क बहुत तगड़ा मैंने लिया है। एक सेकंड, जल्दी 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 चलो यहाँ पे फटाफट से, पहले मैं इसको अंदर रख देता हूँ, ठीक है इसको निकाल देते हैं। ठीक है मैंने दो अनुबिस वापस से निकाल दिए, दोनों को रख दिए, और अब एक काम करेंगे, अब वापस से हम जाएंगे यहाँ पे और इसको पहले फेंक देते हैं। ठीक है वहाँ पे वो वापस से लड़ना शुरू हो चुके हैं भाई, यहाँ पे ना पूरा झुंड हो रखा है इकट्ठा। और अभी ये क्या था भाई, तो कुछ ज़्यादा हाई उछल गया वो भाई साहब, अबे तो उड़े जा रहा है भाई, नहीं नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये मरने वाला है, ये मरेगा भाई, ये गिर के पक्का मरने वाला है। बेशक ये अपने पंख नहीं अपने हाथ तो ही ला रहा है, लेकिन सीधा ये गिरेगा ज़मीन पे। अबे यार इससे अच्छा मेरे अनुबिस से मर जाता भाई, सुसाइड कर रहा भाई ये बंदा। एक मिनट, ये गया नीचे और ये एक दो तीन और ये ख़त्म भाई, वो तो ऊपर से ही नीचे गिर के मर गया। लेकिन यहाँ पे भाई अपने अनुबिस ने, दोनों ने भाई मिलके यहाँ पे जो ग्रिजबोल्स है उनकी बना दी है चटनी। वो देखो दोनों जा रहे हैं एक बार में, और यहाँ पे सबको मैं भड़काने वाला हूँ, सारे आ जाओ भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं यहीं पे भाई तुम्हारा मुकाबला करने वाला हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं मुकाबला करेंगे, मार देंगे भाई मेरे को वो। अबे नहीं जेट ड्रैगन, अब ये अटैक करने लग जाएगा भाई, ये मेरी चटनी बना देंगे, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट। चलो 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 चलो, यहाँ पे भाई कितने रह गए भाई, बहुत ही कम रह गए, कम से कम 10 कुछ जो मोसांडे हैं वो रहते हैं। एक मिनट को इसके देता हूँ मैं, नोबड़ा से तू बाहर क्यों आया, तू बाहर क्यों आया, इसका ना मिसल पे मिसल ही दूंगा मैं, ये तू मिसल पाओ खा भाई तू, ये ले तेरी तो लड़ाई से बाहर भागेगा तू, मैं अब जाएगा नीचे ये। अबे नीचे नहीं गिरा भाई, वो वहाँ पे अटक चुका है, लेकिन अब जाएगा नीचे ये, ये भी मरने वाला मुझे लग रहा है गिर के, ख़त्म ये भी मर चुका है। लेकिन
अबे एक सेकंड, ये वाला अपना अनूबिस देखो यहाँ पे चिपक गया दीवार में। भाई वो दीवार में चिपक चुका है, लेकिन यहाँ पे अपना एक अनूबिस मारने में लगा है। ठीक है, एक और यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है भाई। 50 मोसांडा को भी यहाँ पे अपने जो अनूबिस थे ना भाई, उन्होंने पीट दिया। मैं सबको वापस यहाँ पे ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, ताकि सारे मेरे ऊपर अटैक करें, मतलब मेरे अनूबिस के ऊपर अटैक करें। ओके, तो अभी यहाँ पे तुम्हारा भाई 100 मोसांडा लक्स को स्पॉन कर रहा है, और भाई ये ना सारे मेरे ऊपर भड़क चुके हैं। भाई देखो मेरी, अब मुझे लग रहा है कि पिटाई होगी, मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई भागने की जगह ही नहीं बची। ये देखो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये मुझे घेर ले रहे हैं। अबे यार मैं तो स्पॉन करे जा रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे मैंने कितने स्पॉन कर दिए, मुझे गिनती भी इन्होंने बुला दी भाई। लेकिन बहुत सारे गया भाई, भाई मैंने 100 से ऊपर ही यहाँ पे लग रहा कर दिया स्पॉन, जिस हिसाब से ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बट चलो अभी मुझे रिस्पॉन करना पड़ेगा अपने बेस पे, और उसके बाद यहाँ पे मुझे वापस से उस वाली जगह पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, ठीक है, पहले थोड़ी सी तैयारी करेंगे, नहीं तो अगर ऐसे ही मैं गया तो मेरी पिटाई हो सकती है। तो सबसे पहले जो आर्मर वगैरह है, ठीक है, मैं वो पहले ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज ना जाए। तो जो सबसे वाला तगड़े वाला आर्मर है वो यही है, पाल मेटल आर्मर, और उसके बाद एक हेलमेट ले लेते हैं, ठीक है। एंड अब एक काम करेंगे, मुझे एक गन चाहिए, ठीक है, मुझे एक राइफल चाहिए, ताकि मैं उसको मार के अपनी तरफ उनका ध्यान भटका सकूँ, ठीक है। उसके बाद 500 इसकी एमओ ले लेंगे, अपने पास सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं वापस से। लेकिन मैं स्पॉन उनके बीच में ही हूँगा भाई, मैं बीच में स्पॉन हो चुका, 1, 2, 3, ठीक है, 3 को निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने 3 अनूबिस को यहाँ पे निकाल दिए, और अब बारी यहाँ से भागने की, भागो 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 भाई। मैं आपको दिखा, वो देखो भाई साहब, यार ये कम कैसे हो गए, वेट यार, कुछ कुछ ना ज़मीन के अंदर घुस रखे, इसलिए इतने ज़्यादा लग नहीं रहे यार, कुछ मुझे लग रहा है कि उड़ भी गए। ये देखो जैसे ये नूबड़ा उड़ रहा है ना यार, ये उड़ उड़ के ना भाई निकल जा रहे हैं भाई, ये यहाँ पे फाइट में दिक्कत देंगे भाई साहब। एक मिनट, लेकिन बहुत सारे हैं ये, अभी भी ना ये चिपक चिपक रखे, इसलिए इतने कम दिख रहे हैं, बट है ये दबा के भाई। यार मेरे अनूबिस यहाँ पे 3 मैंने अनूबिस को स्पॉन करा है, वो तीनों लड़ रहे हैं, कहाँ पे हैं वो? अच्छा लड़ तो रहे हैं, ठीक है, वो रहा एक हवा में। और अबे दो मर गए क्या इतनी जल्दी? अबे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, भाई इतने कमज़ोर नहीं अपने अनूबिस। ये देखो अपने जो मोसांडा है ना भाई, कैसे बाहर बाहर निकल रखे हैं, ये देखो कैसे हवा में उड़ जा रहे हैं भाई वो। लेकिन अनूबिस कहाँ गया भाई? अबे यार अनूबिस मुझे लग रहा है कि 2 मर गए, मुझे नज़र ही नहीं आ रहे भाई इतनी भीड़ में। अच्छा वहाँ पे शायद से अटक रखे हैं मुझे लग रहा है, एक सेकंड, इन सबको ना पहले मुझे मैं बताना पड़ेगा कि भाई फाइट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, लड़ो तुम मेरे साथ में। मैंने सबके ऊपर भाई एक एक जो मिसाइल है वो मार दी है, ठीक है, अब यहाँ पे मज़ा आएगा। ओके अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है दोबारा से लड़ाई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे अनूबिस सारे मर गए हैं यार, मुझे एक भी अनूबिस नज़र नहीं आ रहा भाई, भाई तीनों को मार गए वो इतनी जल्दी। अबे नहीं यार, एक जिंदा है, ठीक है, एक देखो वहाँ पे जिंदा है, वो नूबड़ा है उसके अंदर घुस रखा है, बताओ यार। एक सेकंड रुक यार, एक शील्ड पहले मैं ले लेता हूँ, ठीक है, वो ना दीवार के वहाँ पे जाके चिपक रखा है, ठीक है, अब वहाँ से हिला वो, ठीक है, हिल तो चुके हैं भाई, अटैक भी कर ले यार, ऐसे ना कर भाई, 100 के साथ मज़ा आने वाला था, लेकिन ये मज़ा नहीं भाई, ये तो वहाँ पे आराम से खड़ा हो रखा है, ये कर क्या रहे? लेकिन भाई रेस्ट पे तो नहीं चले गया ये, एक मिनट रुकना। ओके तो यहाँ पे मुझे एक रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क मैंने ले भी लिया है, मैं आ चुका हूँ भाई इनके बीचों बीच में, और यहाँ पे अब मैं इन तीनों को ना अंदर रखने वाला हूँ, नूबड़े लड़ ही नहीं रहे, मैंने जो दूसरे 3 अपने अनूबिस हैं उनको निकाल दिया, ठीक है, और अब यहाँ से हम बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है भाई, अब होएगी लड़ाई। अब ये हाँ, ये देखो ये अटैक करने स्टार्ट कर दिया इन्होंने भाई, वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो रखे थे, और वो मरे भी नहीं थे, वो जिंदा थे, लेकिन भाई अब ये यहाँ की धरती फोड़ने वाले हैं। ये देखो सारे तीनों के तीनों अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे एक एक करके जो मोसांडा है भाई वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देखो कितने सारे बचे हैं, एक तो भाई ज़मीन के अंदर घुस चुका है, काफ़ी सारे जो बाहर भाग चुके हैं इस अरीना को छोड़ के, लेकिन अनूबिस यहाँ पे व्हाट, एक बचा है अपना अनूबिस, और दूसरा यहाँ पे है, एक मर गया क्या, तीसरा नज़र नहीं आ रहा भाई, मुझे लग रहा है कि एक नहीं नहीं तीसरा वो रहा पीछे, ठीक है, वो पीछे भाई लड़ाई कर रहा है वहाँ पे। लेकिन अभी यार यहाँ पे ना बहुत सारे मोसांडा बचे हैं भाई, क्या लगता है आप सबको ये मार देंगे? मुझे लग रहा है जहाँ तक ये मार देंगे भाई तीनों मिलके ना, इनको जितने भी ये 60-70 बचे हैं ना इनको ईजिली पीट देंगे भाई, थोड़े तो बाहर भी आ रखे हैं, ये जो बाहर वाले हैं ना इनकी पिटाई देखो मैं बाद में करता हूँ, कैसी पिटाई करूँगा इनकी मैं, फिलहाल यहाँ पे उतर जाता हूँ मैं, एक काम करते हैं यार, यहाँ पे भी उनका अटैक आ रहा है भाई, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे भाई, मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा, लेकिन चलो यहाँ पे ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये देखो एक उसको भी उड़ा दिया यहाँ पे, देखो 10-12 तो भाई बाहर ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये फिर से ऊपर चढ़ गया,
और ये यहाँ पे खड़ा हो चुका है। यहाँ पे ये अकेला भाई, ये बेचारा अकेला लड़ रहा है। एक किसने चटनी बना दी भाई, तुम भी लड़ो यार, तुम्हारा भाई यहाँ पे अकेले लड़ रहा है। मुझे लग रहा है ना ये बीच में थक जा रहे हैं लड़ाई कर करके ना, इसलिए बेचारे रुक जा रहे हैं, क्योंकि भाई 100 से फाइट करना आसान नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये जैसे अपना अटैक रिकवर करेंगे वापस से लड़ना स्टार्ट कर देंगे भाई। लेकिन यहाँ पे अपने एक ही अनूबिस ने यहाँ पे भाई मोसांडा की धज्जी उड़ा रखी है। एक सेकंड भाई, इसके ऊपर अगर कोई अटैक करेगा ना तो यहाँ पे ये फिर एक्टिव हो जाएंगे, बट कोई अटैक ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। सारे भाई इसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं भाई साहब। वेट यार, मार भाई, मार 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 यहाँ पे। ये ले तेरी तो नहीं भाई, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये अकेला इनको मार पाएगा। ठीक है, एक और भाई, एक और स्टार्ट हो चुका है भाई, अब मज़ा आएगा। ठीक है, वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, इसको इन्होंने वापस से ऊपर चढ़ा दिया यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे लड़ाई करते करते भाई दिन से रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे भाई काफ़ी सारे मोसांडा बचे हैं। फिलहाल मैं ना इनको निकालने वाला हूँ, क्योंकि जो अपने पहले वाले थे वो थक गए थे, तो इन चारों को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। और अभी भी ना कम से कम 20-25 जो मोसांडा है ना वो बचे हैं, लेकिन हमें जो फाइट है वो फटाफट से ख़त्म करवानी है भाई। देखो जो बाहर वाले ना, मैंने जैसे ही कहा कि इनकी पिटाई करेंगे, बट वो देखो भाई एक ही बार में जो अपने अनूबिस है ना, एक अटैक में कम से कम 5-6 मोसांडा को उन्होंने मार दिया, और अभी भी ये पिटाई करने इन्होंने चालू रखी है। अभी अंदर ना भाई कम से कम ना कितने बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे भाई, ये मार गए काफ़ी सारों को। यहाँ पे अंदर 4-5-6 कम से कम 10-12 ही बचे हैं, बाकी 10-12 बाहर होंगे, तो उनकी भी पिटाई हम बाहर करेंगे। लेकिन वेट भाई, मैंने 4 अनूबिस निकाले थे, यहाँ पे 2 ही हैं। 2 कहाँ पे है भाई, 2 तो नज़र नहीं आ रही है, कहाँ पे लड़ रहे हैं वो? बाहर वालों को मारने तो नहीं चलेगा भाई? एक सेकंड, यहाँ पे अटक चुका है। वेट यार, मुझे काम करना पड़ेगा अभी ना, यहाँ पे हो रही है रात, और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए भाई। वो 2-3 को एक बार में फिर से ले जा चुके हैं, ठीक है, वो अभी भी लड़े जा रहे हैं, तो मुझे एक काम करना चाहिए। आई थिंक मुझे अभी जाके ना अपने बेस पे सो जाना चाहिए, लेकिन मैं इनके अगर पास जाऊँगा ना तो ये भड़क जाएंगे और जो फाइट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओ भाई, वो ले गया उसको भी भाई। 3-4 तो ऊपर चढ़ रखे हैं डिफेंसिव वॉल्स के, इनकी धज्जा मारा तो भाई तुम लड़ क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें अक्ल नहीं है? अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं, तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो भाई? मिसल पे मिसल दी इनके, मैंने सबको मिसल पाव खिला दिया यहाँ पे मैंने। ओ भाई, वो देखो, ये अब पड़ने वाला खतरनाक अटैक, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे डेड होने वाले हैं अब। ठीक है, ये ख़त्म, ये दूसरा ख़त्म, नाइस, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ मैं भी यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे इनके आसपास घूमता रहता हूँ, ताकि यहाँ पे ये और भड़कते रहें और जो फाइट है वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ओ भाई, इसने मुझे धर लिया। ओ वेट वेट वेट, निकलो यहाँ से, यहाँ से निकलो भाई, यहाँ पे सामान कितना सारा ड्रॉप हो चुका है। वेट यार, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है, मैं अपने बेस जाता हूँ सबसे पहले। रात हो चुकी है, रात में इतना अच्छा जो नज़ारा है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सुबह आएंगे, ठीक है, सुबह आके जो फाइट है हम वो देखने वाले हैं। मेरा बेड कहाँ पे है? वेट यार एक सेकंड, मेरा बेड वहाँ पे ना, तो फटाफट से जाके पहले सो जाते हैं, कल सुबह उठ के देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचेंगे ना, मुझे लग रहा है कि जो अपने अनूबिस होंगे उन्होंने सबको मार दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाहर वाले जिंदा होंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर तो अपने अनूबिस निकलेंगे नहीं, लेकिन अंदर वालों को तो मुझे लग रहा है उन्होंने मार दिया होगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अब जाके एक बार हम देख ही लेते हैं, ठीक है, चलते हैं अपने इस वाले बेस पे। गए भाई, देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना भाई बचे होंगे, लेकिन कम बचे हैं, एक ही बचा है, सिर्फ एक बचा ये वाला, और इसकी भी धज्जिया उड़ने वाली है। ये चल तेरी, तू ऊपर क्या कर रहा है, तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे नीचे फटाफट से, ऊपर वहाँ पे खड़ा होकर फाइट कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ से निकलते हैं हम, यहाँ पे जेट ड्रैगन को निकाल के ना। अबे यार, इसके ना मैं मिसल नहीं मार सकता अभी, क्योंकि उसका टाइमर ना भाई 3 मिनट का टाइमर मिलता है उसके। मैं सामान अपना वापस ले लेता हूँ। वेट, अब वो बाहर वाले की पिटाई कर रहे हैं भाई। मुझे कुछ घेरना पड़ेगा यार, अपना ने इन्वेंट्री भर चुकी है। मैं काम करता हूँ, ये ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, इसकी आधी एमो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी और इन्वेंट्री मुझे खाली करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा भोजन खा लेते हैं हम, सैंडविच, ठीक है, और अब ये काम करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ ना अंदर 2 बचे हैं, और बाहर यहाँ पे जो बचे हैं ना इनकी पिटाई, रुको एक काम करता हूँ, इनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर मैं छोड़ने वाला हूँ। नोबड़ा, तुम यहाँ पे बाहर कैसे निकले हैं? इन्होंने सोचा ये बाहर निकल के बच जाएंगे, लेकिन पिटाई तो इनकी फिर भी होने वाली है। अभी सबको पीटने वाला हूँ मैं, चलते जी। तो चलो भाई, आखिरकार जो फाइट है वो ख़त्म हो चुकी है, हमने काफ़ी सारे जो मोसांडा थे उनको मार दिया। बाहर वाले थे, अंदर वालों को तो अपने अनूबिस ने पीट दिया था, लेकिन फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताना कि आगे आप कौन सी पोकेमोन की बैटल देखना चाहते हो, फिर हम आगे उनकी बैटल करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।